गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है संडे और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपके मनोरंजन के लिए। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तो मनोरंजन करिए आज के ब्लॉग का, संडे के ब्लॉग का। दो तीन साल से हो रहा है इसमें दर्द। दो साल से पाँच छः महीने से ज़्यादा हो रहा है ना। पाँच छः महीने से ज़्यादा हो रहा है। पाँच छः महीने से ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं जा रहा था यहाँ, ब्रेक दर्द बताया किसी ने। अच्छा, ब्रेक दर्द में वो दवा लगाता है, पट्टी बांध देता है। हाँ, चार पाँच बार मैं पाँच बार वहाँ भी गया हूँ। अच्छा, उसे हाथ में तो थोड़ा फर्क पड़ा, घुटने में उतना फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, तो इसमें टाइम लगेगा। तो उसमें क्या हुआ, पहले क्या हुआ इसमें? मैं गिर गया था एक्चुअली। अच्छा, गिर गए थे आप? हाँ, गिरा तो ये खत गया, मेरा गिर गया था तो दिखाई देते पूरी सूजन आ गई थी इसमें। अच्छा, दो साल पहले ये हेमो मास्टर नहीं है। हाँ, अटक। अच्छा, हाँ, उसकी माँ मरी थी तो पाँचवा दिन हो रहा था। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना के आ गया और ये बटिया देख रहे हैं, इसी बटिया से मैं चलता हूँ। और मौसम फिर से ख़राब हो चुका है पहाड़ों का। आप देख रहे हैं आसमान में घने बादल हैं, लगातार दो तीन दिन से बारिश हो रही है और देख रहे हैं हरियाली चारों तरफ छाई हुई है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मौसम का मिजाज, दो तीन दिन से मौसम खुले से ऐसा हो चुका है। 19 मार्च है और मौसम घनघोर हो चुका है, बारिश होने वाली है और 22 तारीख से नवरात्रियाँ लगने वाली हैं। देख रहे हैं बिजली भी कड़क रही है अभी, इसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं अभी दोस्तों। तो दोस्तों, एक छोटा सा ब्लॉग आज मैंने दिया, ट्रीटमेंट का दिया, एल्ट्रा मशीन से किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, और दूसरा नेचर का दिखाया कि दो तीन दिन से बारिश हो रही है और नेचर जो है मौसम बहुत ख़राब है, ओलावृष्टि हो रही है उल्दई से, और आज 19 मार्च अभी भी यहाँ पर बारिश ही होने में है। इस बार गर्मी भी बरसात लग गई है। तो दोस्तों, छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।